हेलो फ्रेंड्स, स्माइली फूड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ दाल पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने ली हूँ 3 कप तुवर की दाल। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसे कुकर में डालकर बॉईल कर लूँगी। डेढ़ गिलास पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। लौकी के टुकड़े लिए हैं मैंने, उसे काट लिया है। हल्दी आधा चम्मच। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे 5 से 6 कुकर की सीटी आने तक। दाल हमारी बॉईल हो रही है, वहाँ तक हम बिरस्ता बना लेते हैं, जिसे हम बाद में चावल में डालेंगे। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, फिर प्याज को फ्राई करेंगे। तो तेल गरम हो चुका है, अब मैं उसमें डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता, 3 इलायची, 3 से 4 काली मिर्च, 3 लौंग, पक्की लाल मिर्च। ये जाड़ी वाली हरी मिर्च है, इसे मैंने काट लिया है, और जीरा। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज बारीक कटी हुई। एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, इसे फ्राई करना है मैं, और इसका बिरस्ता बना लेना है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पर आए तो हमें इसे निकाल लेना है, वरना प्याज जल जाएगी। तो हम बिरस्ते को निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा फैला दे तो ये प्याज अच्छे से ठंडी हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी। तो अब हम चावल बना लेते हैं। तो ये प्याज का बचा हुआ तेल है, उसमें मैं डालूंगी 4 गिलास पानी। मेरे चावल ज़्यादा है, इसके लिए मैं 4 गिलास पानी ले रही हूँ। आपका अगर चावल कम हो तो आप 2 से ढाई गिलास पानी ले सकते हो चावल में। 1 कप मैंने चने की दाल ली हूँ। मैंने इसे आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। तो अब मैं इसे चावल के साथ ही पकाऊंगी। चने की दाल डालने से चावल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप इसकी जगह पर अक्खे मसूर भी डाल सकते हो। मैं चने की दाल ले रही हूँ। तो चने की दाल डालने से पुलाव बिल्कुल शादियों में जिस तरह दाल पुलाव बनता है उस तरह का ही पुलाव बनेगा। तो मैंने बिरयानी के चावल 8 कप ली हूँ। इसे अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो ली हूँ। तो ये चावल का पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी चावल। अब डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, थोड़े नींबू का रस डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही। इससे चावल छोटे छोटे बनते हैं और खिले खिले चावल बनते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे कुकर का ढक्कन लगाकर फिट कर दीजिए और 5 से 6 कुकर की सीटी आने तक 5-8 पर होने दीजिए। तो दाल हमारी देखते हैं बॉईल हो चुकी है। तो हम इसे भगारेंगे दाल को। तो हम मसाला कर लेते हैं। तो हमने चावल के लिए जो बिरस्ता किया था उसी का बचा हुआ तेल है ये। अब इसमें मैं डालूंगी गरम मसालों में तेज पत्ता, 3-4 काली मिर्च और 3-4 लौंग, कच्चा एक टुकड़ा जीरा, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्चें 3-4 बारीक टुकड़े कर लिए मैंने, ये जारी वाली हरी मिर्चें। प्याज को हमें थोड़ी फ्राई करना है। इसमें मैं 3 अक्खी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, मैं ये भूल गई थी डालना। प्याज हमारी लाल हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। मसालों में मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं। मसाले को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। नमक स्वाद अनुसार मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल जाए वहाँ तक हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। फिर इसमें दाल उबाली हुई बॉईल की हुई दाल डाल देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये मसाला भी हमारा अच्छी तरह से हो चुका है। इसमें हम दाल डालेंगे। वहाँ तक हमारे चावल भी हो चुके हैं, 5 से 6 कुकर की सीटी हो चुकी है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ चावल का, और इसमें अब हम बॉईल की हुई दाल डालेंगे। दाल में आप पानी अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा हरा धनिया डाल रही हूँ मैं इसमें, और दाल में अच्छी तरह से जोश आए, ये दाल उबले जहाँ तक अच्छी तरह से, वहाँ तक हमें इसे होने देना है। दाल हमारी हो चुकी है, अब मैं इसमें तड़का करूँगी। तो मैं इसे उतार लेती हूँ। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाले, छोटे 2 चम्मच। तेल गरम हो चुका है, अब उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच ज़ीरा, 2 बारीक कटे हुए लहसुन, लाल मिर्च और कसूरी मेथी। इस तड़के को मैं दाल में डालूंगी। तो चावल हमारे बन चुके हैं। अब हम इसमें बिरस्ता मिला देते, जो प्याज का बिरस्ता हमने तैयार किया था वो उसमें मिक्स कर देंगे। तो चावल को मैं मिक्स कर लेती बिरस्ते में। और इसे मैं सर्व करूँगी। तो हमारे दाल पुलाव बनकर रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल शादियों में जिस तरह भटियारे बनाते हैं उस टाइप के ही बने हैं दाल पुलाव। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए।